हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शाइन विद तमन्ना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का व्लॉग अगेन है मेरा कुकिंग को लेके, और मैंने आज बनाए थे खाने में आलू शिमला मिर्च का सालन, और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी से बनाया था, तो सोचा आपसे शेयर करती चलूँ। तो व्यूअर्स, ये मैंने कढ़ाई में डाल लिए थे दो प्याज बड़े साइज़ के, और कटिंग करके फिर मैंने ऑयल डाल लिया। तो व्यूअर्स, इस प्याज को हम करेंगे थोड़ा सा सौते। तो जब ये थोड़ा सौते हो जाए तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और साथ में सूखा धनिया। तो इसे ना मैं धड़धड़ा से पीस लेती हूँ मसाले को, तो उसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्पेशली जब आप कोई इस तरह की कुछ सब्ज़ी बना रहे हो मसाले वाली। तो सूखा धनिया भी बीच में डाल के अगर आप क्रश कर लेंगे ना, तो उससे ये है कि इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा आएगा, और वो मुँह में बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा ना। तो अदरवाइज़ पता है कि अक्सर खाना खाते हुए हलक में लग जाए तो वो फिर जो है आपके लिए मसला बन जाता है। तो व्यूअर्स, जब उनको थोड़ा सा भूनने के बाद इस स्टेज पे मैंने ऐड कर दिए थे इसमें दो जो हैं टमाटर, और बल्कि अगर आपके टमाटर छोटे साइज़ के हों तो आप तीन भी लीजिएगा, क्योंकि इसका मसाला बनेगा तो इसका टेस्ट इन्हीं चीज़ों से आएगा। तो व्यूअर्स, अब ऐड करते हैं इसमें फर्दर कुछ चीज़ें। तो इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। तो व्यूअर्स, अगर ज़ीरे के अलावा भी आप कोई मसाला जो है वो ऐड करना चाहें, मतलब गरम मसाले में से ना, साबुत मसाले में से, तो आप ऐड कर सकते हैं, लौंग ऐड कर लीजिएगा। तो अब मैंने इसमें नमक जो है वो एक चम्मच शामिल कर दिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, ये मैंने ऐड कर दिए हैं मिर्च और हल्दी। एक्चुअली ना हमारी मिर्च जो है वो हल्दी और मिर्च हम लोग ना ऑलरेडी मिक्स करके रखते हैं, तो इस वजह से आप ये मत सोचिएगा कि मैं हल्दी डालना भूल गई हूँ शायद। तो ये मैंने इसमें जो है धड़ा मिर्च भी ऐड कर दी थी, और ये देखें मसाले का कलर बहुत प्यारा सा आ गया है। तो आपने ना इसको थोड़ा सा भूनना है, और व्यूअर्स, भूनने के बाद आपने इसमें हाफ जो है ग्लास अप्रॉक्सीमेट जो है पानी ऐड कर दें, और इसको कवर कर दीजिएगा। तो अगर आप इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दें तो उतनी देर में कर लेंगे हम लोग सब्ज़ी की कटिंग। तो जनाब, 10 मिनट पूरे होने के बाद जो है ये मैंने देखा मसाला, तो वो कुछ इस तरह से था। तो अब आप मसाले को थोड़ा सा, मतलब मैंने मैश कर लिया था, चम्मच ले लें या डोई, आप जो भी चम्मच यूज़ कर रहे हैं उसी के साथ हल्का सा, मतलब लाइट सा इसको मैश कर लेना 5 मिनट के लिए, भुनाई भी हो जाएगी और मसाला, इस तरह मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं तो अक्सर इसी तरह मसाला चूल्हे पे चढ़ा के जितनी देर में मसाला रेडी होता है तो उतनी देर में मैं सब्ज़ी की कटिंग कर लेती हूँ, और फिर जब सब्ज़ी को मतलब फाइनली दम देने का टाइम आता है तो उस दौरान में मैंने किचन में जो कोई भी मैस हो थोड़ा बहुत रह गया तो मैं उसको समेट लेती हूँ, काम ख़त्म हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपका किचन जो है वो भी साफ़ हो जाता है, साथ में आपका खाना भी रेडी हो जाता है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैं मसाले को मैश कर रही थी, मसाला मैंने मैश किया अच्छे तरीके से, और उसको मैश करने के बाद उसकी शक्ल ज़रा देख लें, जब थोड़ी सी लाइक हो जाए इस तरह से, तो अब इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने शिमला मिर्च को भी ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा जो है ना कट कर लिया था, आलू भी मैंने बहुत छोटा भी नहीं लिया और बहुत बड़ा भी कट नहीं किया, ये देखें ना। तो इसी तरह से शिमला मिर्च के भी थोड़े बड़े बड़े पीस कट किए हैं, बिकॉज व्यूअर्स, अगर बहुत बारीक मतलब शिमला मिर्च की कटिंग आप करेंगे तो फिर वो जो है वो घुल बहुत जल्दी जाती है। तो मैं नॉर्मली आलू जो है ना वो पहले डालती हूँ, आलू को डालने के बाद इसकी भुनाई कर ली, और भुनाई करने के बाद इसमें लाइट सा, मतलब हाफ ग्लास ही आलमोस्ट पानी डाल के, तो इसको थोड़ी देर के लिए दम दे दें ताकि आलू जो हैं वो थोड़े से गल जाएं, तो फिर ही हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि मैं मतलब व्लॉग जो है मज़ीद किस चीज़ पे बना सकती हूँ। तो और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करना तो भूलना ही नहीं है ना। तो ये देखें जी, मैंने आलू दे दिए थे दम, और व्यूअर्स,
आपकी तरफ मौसम कैसा है? आज मौसम हमारा जो है ना वो कदरे बेहतर था, हम इंतज़ार में ही रहे कि शायद बारिश आ जाए, शाम से इंतज़ार में थे और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तकरीबन रात के 2 बज चुके हैं और अब तक बारिश नहीं आई। तो ये देखें व्यूअर्स, आलू मैंने चेक कर लिए थे, जब हल्के से गल गए थे तो मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी थी, तो शिमला मिर्च हो गई है इसमें ऐड। तो हल्का सा हम फिर से चम्मच चलाएंगे और ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और मसाले को मिक्स करने के बाद हम इसको जो है अगेन दम पे पकाएंगे, इसमें पानी अब ऐड नहीं करेंगे और इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, हम लोग 10 मिनट के लिए इसको पका लें ताकि दम पे, ताकि शिमला मिर्च अच्छे से हमारी गल जाए। तो इसके कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम शिमला मिर्च जब हमारी थोड़ी गल जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे, हरी मिर्च कटी हुई, सूखी मेथी, धनिया, और ये व्यूअर्स है अचार का मसाला। तो अचार का मसाला मतलब डालने से ना इसकी खुशबू, एक तो बहुत अच्छी सी सालन में से खुशबू आती है और दूसरा इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो इसको कर दिया था मैंने कवर और ये जनाब तकरीबन शिमला मिर्च गल चुकी है। अब मैं इसमें बाकी के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने ऐड कर दिए थे, तो लीजिए जनाब ये अब सब कुछ इसमें हो गया है ऐड। और सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद मैंने इसको अगेन 5 मिनट के लिए जो है कवर कर दिया था और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए आप दम पे रहने दें। और व्यूअर्स जब आप दम खोलेंगे, मतलब इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद जब आप दम खोलेंगे तो बिलीव मी आप जो है ना इसकी खुशबू से बस कहेंगे कि मैं अभी पराठे के साथ बना के इसको खा जाऊं। तो खुशबू जो है ना इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो और बहुत ही, ये मैंने इतनी देर में किचन साफ़ कर लिया था, जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो मैस रह जाए वो मैं साफ़ कर लेती हूँ जितनी देर में मेरा सालन जो है वो डन हो रहा होता है। तो मैंने आटा भी गूंद लिया था और फिर किचन साफ़ भी कर लिया था। तो व्यूअर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप किचन जो है वो किस तरह से नीट करते हैं, साथ साथ पहले या फिर बाद में या फिर साथ साथ मेरी तरह। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मुकम्मल रेसिपी, इंशाल्लाह आपसे मज़ीद चीज़ें भी शेयर करते रहेंगे। तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये थी अब इसकी फ़ाइनल शक्ल, तो इसको खाइएगा और बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।